अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लैब 5 में बात करेंगे इनहेरिटेंस की, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का वो ये है इनहेरिटेंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का, फाइनल तकरीबन हम कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या मैं जावा में अगर इनहेरिटेंस की बात करूँ तो इनहेरिटेंस का जो मेकेनिज़म है वो बेसिकली आपके पास इस तरह का मेकेनिज्म है जो कि आपके पास बेसिकली इससे भी ये होता है कि अगर आप चाहें कि चाइल्ड क्लास एक बनाएं और पेरेंट क्लास के एक्सेसिबल हो उसके लिए, या पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज बिहेवियर चाइल्ड क्लास के भी एक्सेसिबल हो, तो फिर आप पेरेंट चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट आपके पास इनहेरिटेंस देता है जो कि कोड की रियूजबिलिटी को ईजीली कि आप री यूज कर सकते हैं, बेसिकली एक री यूजबिलिटी का फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस इनहेरिटेंस के थ्रू, जिसमें आप पेरेंट क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर अपने चाइल्ड क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा चाइल्ड क्लास के अपने फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। द आइडिया बिहाइंड द इनहेरिटेंस इन जावा दैट यू कैन क्रिएट न्यू क्लासेस दैट आर बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। व्हेन यू इनहेरिट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास यू कैन रीयूज मेथड एंड फील्ड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है आपके पास कि अगर आप एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उससे एक्सटेंड करते हैं या इनहेरिट करते हैं अपनी पेरेंट क्लास से, तो आप उसमें रखे हुए मेम्बर्स को रीयूज कर सकते हैं जो कि आपके पास पेरेंट क्लास या फिर आपके पास बेस क्लास में मौजूद होंगे। इसके अलावा आप उस क्लास के अंदर यानी आपकी जो सब क्लास है चाइल्ड क्लास है उसके अंदर आप न्यू मेथड्स और फील्ड्स भी बना सकते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली रिप्रेजेंट करती है इस आर रिलेशनशिप को, यानी अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉय और प्रोग्रामर की दो क्लासेज हैं तो प्रोग्रामर इज अ एम्प्लॉय, so that is called a parent-child relationship or is a relationship। जो टर्म्स इनहेरिटेंस के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वो पहली है आपके पास क्लास, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास आपके पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसके अंदर आपके पास कॉमन प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक क्लास मेरे पास फ्रूट, तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, मैंगो, और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो सकती हैं। इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इसके अलावा आपके पास हम जिस कीवर्ड या फिर जिस वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, वो है आपके पास एक सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। सब क्लास आपके पास इनहेरिट करती है अपने पेरेंट क्लास को, जिसमें आपके पास उसकी तमाम प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल होती हैं। आपके पास जो सब क्लास चाइल्ड क्लास होती है उसे ड्राइव क्लास, एक्सटेंड क्लास भी कहा जाता है। सुपर क्लास आपके पास एक ऐसी क्लास होती है जो कि पेरेंट क्लास होती है और उसमें रखे हुए मेथड्स या प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास से या फिर उस क्लास से जिससे वो एक्सटेंड हुई हो उसके लिए एक्सेसिबल होते हैं। सुपर क्लास इज अ क्लास फ्रॉम वेयर अ सब क्लास इनहेरिट द फीचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास। जिस तरह से आपके पास सब क्लासेस के मल्टीपल नाम है, आप उन्हें ड्राइव क्लास कह सकते हैं, एक्सटेंडेड क्लास कह सकते हैं या चाइल्ड क्लास। इसी तरह आपके पास सुपर क्लास के दो नाम हैं, एक आपके पास बेस क्लास बोल सकते हैं या आप पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। रीयूजबिलिटी की फंक्शनलिटी मैंने भी आपसे कहा था कि इसके अंदर रीयूजबिलिटी की फंक्शनलिटी होती है, मतलब आप अपनी पेरेंट क्लास, आपकी जो पेरेंट क्लास है वो जिस भी चाइल्ड क्लास से इनहेरिट होगी उनके फील्ड्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकती हैं। सिंटैक्स क्या होता है इनहेरिटेंस का, आप क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, सब क्लास जो भी है आपकी उसका नाम लिखते हैं, एक्सटेंड का कीवर्ड लिखते हैं और सुपर क्लास का नाम लिखते हैं जिसके साथ आप इनहेरिट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप वो तमाम मेथड्स और फील्ड डिफाइन कर दें जो कि आपके पास चाइल्ड क्लास की होंगी। एक्सटेंड का कीवर्ड इंडिकेट करता है कि आप जो है एक नई क्लास आप बनी है जिससे आपके पास प्रीवियस या फिर पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटीज एक्सिस्ट होंगी। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जावा अ क्लास व्हिच इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड अ पेरेंट और सुपर क्लास एंड न्यू क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास या सब क्लास। अब आपके पास जो पेरेंट क्लास होगी वो सुपर क्लास कही जा सकती है या बेस क्लास, और दूसरी आपके पास होगी चाइल्ड क्लास या सब क्लास।
ये आपके पास एक मौजूद है इस आर रिलेशनशिप, जिसमें आपके पास एम्प्लॉय एक पैरेंट क्लास है, उसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट मौजूद है जिस जो कि फ्लोट टाइप का है, और दूसरा आपके पास एक चाइल्ड क्लास मौजूद है प्रोग्रामर की, जिसमें एक एट्रीब्यूट मौजूद है जो कि इंटीजर टाइप का है। एज डिस्प्ले द अबव फिगर, प्रोग्रामर इज द सब क्लास एंड एम्प्लॉय इज द सुपर क्लास। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस इज प्रोग्रामर। आपके पास जो रिलेशनशिप है इन दोनों क्लासेस के दरमियान, वो आपके पास इज आ रिलेशनशिप है, यानी प्रोग्रामर इज अ एम्प्लॉय। इट मीन्स दैट प्रोग्रामर इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय। आपके पास एक प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर आपके पास एक क्लास बनी हुई है एम्प्लॉय की, एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का जिसमें आपके पास कुछ अमाउंट मौजूद है 40,000। देन आपके पास एक क्लास है प्रोग्रामर, और उसको मैंने एक्सटेंड या इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास से। एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होता है इनहेरिटेंस के लिए। ये मेरे पास पेरेंट क्लास का नाम है और ये चाइल्ड क्लास का, ये मेरे पास चाइल्ड क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद है। देन हमने एक मेन का फंक्शन बनाया और उसके अंदर अपने पेरेंट अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास जिस भी चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास एक्सटेंड होती है, उसकी तमाम चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं इस क्लास के थ्रू, चाइल्ड क्लास के थ्रू या सब क्लास के थ्रू। अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊँ और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पी डॉट लिखूँ, तो आपके पास इस वेरिएबल का भी एक्सेस होगा और इस वेरिएबल का भी एक्सेस होगा, क्योंकि आपके पास ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, एक्सटेंड हुई है आपकी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास से, लिहाजा आपके पास यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटीज मौजूद होंगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पी डॉट, जैसे मैंने लिखा तो मेरे पास सैलरी भी एक्सेसिबल है और बोनस का जो वेरिएबल है वो भी एक्सेसिबल है, लिहाजा आपके पास इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। पहले आपके पास सैलरी आपने कॉल की वो प्रिंट हो जाएगी, देन आपके पास बोनस का जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू असाइन हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। इन द अबव एग्जांपल प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द फील्ड ऑफ ओन क्लास एज वेल एज ऑफ एम्प्लॉय क्लास। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप डी यूजिबिलिटी का नाम देते हैं कि आपका कोड डी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं क्या मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अलग बनाया और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अलग बनाया, बल्कि मेरे पास रीयूजबिलिटी की फंक्शनैलिटी मौजूद थी। तो मैंने जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मेरे लिए दोनों वेरिएबल एक्सेसिबल थे। अब बात करते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। आपके पास कितनी टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है जावा के अंदर? जावा में आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है। इसके अलावा आपके पास एक और इनहेरिटेंस होती है मल्टीपल या हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप ये काम इंटरफेसेस के थ्रू कर सकते हैं। जब इंटरफेसेस पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस में आपके पास सिर्फ एक चाइल्ड और एक पेरेंट क्लास होगी, जो कि आपके पास एक्सटेंड हुई भी होगी पेरेंट क्लास से। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर आपके पास आपकी हर नेक्स्ट क्लास अपनी प्रीवियस क्लास से इनहेरिट होती है, और हायरार्की के अंदर आपके पास एक जो चाइल्ड क्लास होती है, एक दो या दो से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस, जितनी भी आपके पास चाइल्ड क्लासेस हों, वो सब आपके पास एक सिंगल पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास से इनहेरिट होती है। सिंगल क्लास का कॉन्सेप्ट ऑफ पास यही, क्लास बी आपके पास इनहेरिट हुई है क्लास ए से, क्लास ए इज अ पेरेंट क्लास एंड क्लास बी इज अ चाइल्ड क्लास और सब क्लास। यहाँ पे आपके पास मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट है, मल्टी लेवल में आपके पास अगर क्लास सी है तो इनहेरिट हुई है बी से और क्लास बी इनहेरिट हुई है क्लास ए से। इसका मतलब ये हुआ क्लास सी के लिए जो पेरेंट क्लास है वो है बी और क्लास बी के लिए जो पेरेंट क्लास है वो है क्लास ए। लेकिन अगर क्लास सी इनहेरिट हुई है, क्लास सी ने इनहेरिट किया है बी को और बी ने इनहेरिट किया है ए को, तो लिहाजा सी को जब मैं एक्सेस करने जाऊंगी तो उसके पास इन दोनों की फंक्शनैलिटीज मौजूद होंगी, अपनी भी होंगी और इन दोनों के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स एक्सेसिबल होंगी। इसके अलावा मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है, वो है हायरार्की। हायरार्की में आपके पास क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस एक सिंगल पेरेंट क्लास से एक्सेस होंगे, यानी कि अगर मैंने अब बी सी और एक और क्लास लिखी सब क्लास डी, तो तमाम क्लासेस आपके पास एक सिंगल पेरेंट क्लास से इनहेरिटेड होंगे। सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल, व्हेन अ क्लास इनहेरिट अनदर क्लास इट इज नोन एज अ सिंगल इनहेरिटेंस इन द एग्जांपल गिवन बिलो।
और डॉग क्लास आपके पास इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास से, डॉग क्लास इनहेरिट द एनिमल क्लास। बेसिकली आपका डॉग जो है क्लास इनहेरिट कर रहा है किसको, किसी फंक्शनैलिटी इसको, वो है आपके पास एनिमल क्लास। एक क्लास आपने बनाई एनिमल की, एक यहाँ पे मेथड रखा और उसके अंदर एक लाइन प्रिंट करा दी ईटिंग। देन आपने एक और क्लास बनाई चाइल्ड क्लास या सब क्लास या ड्राइव क्लास, आपने उसको उसे इनहेरिट किया आपने एनिमल क्लास को और उसके अंदर भी एक लाइन प्रिंट करवा दी। देन जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो न सिर्फ मैं इस मेथड को एक्सेस कर सकती हूँ बल्कि इस मेथड को भी एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो आप ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ ये एक्सेसिबल होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, लिहाजा आप इसको भी इस सेम ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर सकते हैं। डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, जैसे ही मैं डी यहाँ पे लिख के डॉट लिखूंगी तो मेरे पास इन दोनों मेथड के नाम आ जाएंगे, इन दोनों मेथड को कॉल करूंगी और मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा, बार्किंग या ईटिंग। देन आपके पास कॉन्सेप्ट मौजूद है स्टूडेंट्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपके पास क्या होता है, हर नेक्स्ट क्लास अपनी प्रीवियस क्लास से इनहेरिट होती है। When there is a chain of inheritance, it is known as multi-level inheritance. As you can see in the example given below, baby dog class inherit the dog class, which they again inherit the animal class. So there is a multi-level inheritance. Now, आपके पास एक class मौजूद है, a parent class which is animal. Then आपने class बनाई dog, जिसको extend किया animal से. एक और आपने class बनाई baby dog और उसको extend किया आपने डॉग क्लास से। अब मैं अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसके लिए ये तीनों मेथड एक्सेसिबल होंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का और तीनों मेथड को एक्सेस कर लिया। इन दो तीनों को जब मैं कॉल करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। हायरार्की बेसिकली क्या होता है, आपके पास दो या दो से ज्यादा आपके पास क्लास में वो सिंगल क्लास से इनहेरिट होती हैं, जो कि हायरार्की का कॉन्सेप्ट बताती हैं। यहाँ मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, दो चाइल्ड क्लासेस हैं, इन दोनों चाइल्ड क्लासेस किसको एक्सट्रीम, इन दोनों चाइल्ड क्लास ने एक्सट्रीम किया है या इनहेरिट किया है एनिमल क्लास को। अब अगर मैं कैट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो उसके लिए एक ये मैथड एक्सेसिबल होगा और ये मेथड एक्सेसिबल होगा और अपनी पेरेंट क्लास का, क्योंकि पेरेंट क्लास से एक्सटेंड हुई है। बार्क का जो मेथड है वो इसके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, लिहाजा जब आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी क्लास हो जो कि इनहेरिट ना हो सके तो आप उसके साथ फाइनल का कीवर्ड मार्क कर दें। इफ यू डोंट वॉन्ट अदर क्लासेस टू इनहेरिट from a class, use the final keyword. If you try access final class, Java will generate an error. अब अगर आप final के keyword के साथ लगी हुई class को inherit करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास error generate होगा। Example मौजूद है जिसमें आपने एक class बनाई parent class, उस final keyword लगाया, जब आपने child class से उसको extend किया तो आपके पास error generate होगा। ये छोटी सी लैब थी जहाँ हमने इनहेरिटेंस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मल्टी लेवल सिंगल मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात की। मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस से मल्टीपल क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, बल्कि आपके पास इंटरफेसिस के थ्रू उस काम को किया जाता है। क्लास वन मौजूद है जिसके अंदर आपको एक क्लास बनानी है शेप से, जिसमें आपका मेथड होगा, एक मेथड होगा जो कि प्रिंट करेगा दिस इज शेप। फिर आपको दो क्लासेस मजीद बनानी है रेक्टेंगल और सर्कल की, जो कि इनहेरिट होंगी शेप क्लास से, उसके अंदर भी मेथड मौजूद होंगे, दिस इज रेक्टेंगुलर शेप एंड दिस इज सर्कुलर शेप। क्रिएट करनी है फिर आपको सब क्लास स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल having a method to print square is a rectangle. Now call the method of shape and rectangle class by the object of super class को इस्तेमाल करके आपको उसके ऑब्जेक्ट को कॉल भी करना है। क्लास टू में आपके पास क्या है, क्रिएट ए क्लास विद अ मेथड दैट प्रिंट दिस इज पेरेंट क्लास एंड इट्स सब क्लास
बट अनदर मैथड डिफरेंट दिस इज सिंपली आपने दो क्लासेस बनानी है, उसमें दो मैथड्स बनाने हैं. पहले मैथड में प्रिंट होगा पेरेंट क्लास के कि दिस द पेरेंट क्लास, और चाइल्ड क्लास के मैथड में प्रिंट होगा दिस इज चाइल्ड क्लास. उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और उन्हें कॉल करना है. मैथड अगर मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करना चाहूँ तो मैं क्या पेरेंट क्लास के नाम से कॉल करूँगी? अगर मैं मेथड चाइल्ड क्लास का कॉल करना चाहूँ तो क्या मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए तमाम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आप चेक करेंगे कि ऐसा है या नहीं. मेथड ऑफ पेरेंट क्लास बाय ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, ये तमाम चीज़ें आप परफॉर्म करेंगे. देन आपके पास दो प्रॉब्लम्स हैं विच इज पार्ट ऑफ असाइनमेंट. प्रॉब्लम वन में आपका क्रिएट करना है आपको एक क्लास मेम्बर के नाम से जिनके तमाम मेम्बर्स होंगे. तो आप इन तमाम एट्रीब्यूट्स को रख दें तो आपके पास क्या करना है, आपको एक मैथड बनाए प्रिंट सैलरी का, और प्रिंट करनी है आपको सैलरी और ऑफ प्रिंट करनी है आपको सैलरी ऑफ मेम्बर्स. दो क्लासेस बनानी है आपको एम्प्लॉय मैनेजर की, इनहेरिट करना है मेंबर क्लास से. एम्प्लॉय मैनेजर क्लास हैव डेटा मेंबर्स स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंट. दो आपके पास मजीद क्लासेस मौजूद होंगी एम्प्लॉय और मैनेजर, उसके अंदर दो आपके पास डेटा मेंबर्स होंगे स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट. आपको असाइन करना है नाम एज फोन नंबर एड्रेस सैलरी टू एन एम्प्लॉय एंड अ मैनेजर बाय मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज क्लासेस एंड प्रिंट द सेम. आपको चाइल्ड पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, सिर्फ चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने हैं. दो चाइल्ड क्लासेस हैं यहाँ पे एम्प्लॉय और मैनेजर, एक पेरेंट क्लास है जो कि आपके पास मेम्बर है. इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है, इस पर आपको काम करना है. प्रॉब्लम टू में आपको बहुत सिंपल है, क्रिएट करना है रेक्टेंगल जिसके दो डेटा मेंबर्स होंगे लेंथ और ब्रेथ, और देन आपके पास दो मेथड्स होंगे जो कि प्रिंट कर रहे होंगे एरिया और पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल को. आप इसमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि दो वेरिएबल्स के ऊपर आपने लेंथ और ब्रेथ के लिए लिए हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए होंगे. फिर आप सपोज करेंगे एक और क्लास बनाएंगे आप स्क्वायर की जो कि इनहेरिट होगी रेक्टेंगल से. कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा और आप उसमें बस हर कोई भी वैल्यू जो आपके पेरेंट क्लास की जिसको आप इनिशियलाइज करना चाहें उसको पास कर देंगे. कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास है सुपर क्लास ऑफ क्लास कॉल करें, प्रिंट कर दें एरिया और पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल है ना स्क्वायर. यहाँ तक कि आपके पास स्टूडेंट स्लैब फाइव जिसमें हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, इसके तमाम प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस टास्क क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं. फिर भी कोई क्वेरी हो आपको तो आप लाइव सेशन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.